वेलकम टू शाइनिंग चिता कैम्प। और आज आके हम लोग एजुकेशन का एक वन ऑफ द गुड डिपार्टमेंट और काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे। और उसके लिए हम बात करेंगे हमारे जुबेर शेख से, जो आके क्रिएटिव इंडस्ट्री के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के हेड है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुबेर शेख अब्दुल्ला है, मैं इसी चिता कैम्प में रहता हूँ। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा शाइनिंग ग्रुप के सभी साथियों को, जिन्होंने इस एजुकेशन लेवल पे काम करने के लिए और लोगों तक एक मैसेज पहुँचाने के लिए, जो लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सके, एक बहुत अच्छा जरिया चालू किया। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पिछले 8 सालों से एज अ क्रिएटिव हेड काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ, एक तो क्रिएटिव इंडस्ट्री की, मैं उसको सेकंड भाग में इसको कवर करूंगा, इस टॉपिक को सेकंड भाग में मैं कवर करूंगा। लेकिन पहला मुझे दोस्तों को ये बताना है कि लोग जो करियर का इतना इम्पोर्टेंट जो काम है, जो लोग को पता ही नहीं कि हमें बनना क्या है। आप अगर देखोगे कि इंडिया में 100% जॉब देने की गारंटी हर एजुकेशन लेवल पे हर क्लासेस वाले या फिर हर दूसरे लोग लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि उसको जॉब कब मिलेगी, जब उसकी काबिलियत उसमें रहेगी। कि करियर चूज करने से पहले लोग सोचते हैं कि अगर आप लोग देखोगे कि भाई मुझे अगर दुबई जाना है या फिर कोई दूसरी कोई भी जगह पे जाना है, तो मुझे पता रहता है कि इसमें प्रोसेस क्या है। मुझे टिकट लेना पड़ेगा, मुझे वहां पर जाके इसको पे करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मेरे को इस टाइम पे मुझे जाके यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी आप अगर किसी स्टूडेंट से अगर पूछते हो कि क्या पूछते हो कि आपको क्या बनना है, तो बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईटी इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है, मुझे ऐसा मैनेजर काम करना है, मुझे LLB करना है। लेकिन उससे पूछते हैं क्यों बनना है, तो क्योंकि मेरा बड़ा भाई था, मेरे मोहल्ले में कुछ लोग हैं जो US में सेटल है, जिसकी 4 लाख रुपया पगार है, जिसकी 3 लाख रुपया पगार है, मुझे इसलिए बनना है। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को, मैं आपको ये जो सर्वे बता रहा हूँ, ये इसी चिता कैम्प का है, जिसमें से जो लोग है जिसको देख कर मुतासिर होकर जो चार लाख कमाने वालों के लिए उसमें अपना आईटी इंडस्ट्री में या किसी दूसरी इंडस्ट्री में वहाँ पर उन लोगों ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ चिता कैम्प से ही, जिसको 12 से 15 हज़ार रुपये की पगार है और वो पिछले 4 सालों से उनमें कुछ ग्रोथ नहीं आया। क्यों? उसका उनके पास ऐसा टैलेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो खुद भी टैलेंटेड है, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिला। सही गाइडेंस क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इतनी सारी इंडस्ट्री में से हमको अपना करियर चूज कैसा करना है। लोग रिजल्ट आने के बाद सोचते हैं कि मुझे अभी किस इंडस्ट्री में जाना है, और वो उसी लोगों के पास जाते हैं जो इंजीनियर है, डॉक्टर है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला अगर आपको डिसाइड करना है इस इंडस्ट्री के बारे में या फिर किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, तो पहले ये डिसाइड करो कि मुझे खुद बनना क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरी काबिलियत किस में है। अगर आपको स्पोर्ट्स, अगर एज अ स्पोर्ट्स टीचर बनना है या फिर ड्राइंग टीचर बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर LLB करना है, वकील बनना है, जैसी भी इंडस्ट्री हो या मैनेजर्स बनना हो, लेकिन आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि मुझे खुद बनना क्या है और मेरी काबिलियत क्या है। एक करियर काउंसिलिंग का एक छोटा सा शॉर्ट टर्म बॉम्बे में तो हर जगह होता है, जैसे 10th के और 12th के बोर्ड्स होते हैं, आपके अगर किसी को भी आप जानते हो तो आप उससे कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो, और गूगल बाबा तो है आपके पास, तो आप लोग वहां से भी सर्च करके देख सकते हो कि करियर काउंसिलिंग का मेरी काबिलियत किस में है करियर काउंसिलिंग करवा के। कि अगर आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लोगे कि हाँ मुझे ये बनना है, फिर आप रिसर्च करोगे कि हाँ इसकी कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में। क्योंकि ये जो टाइम है, अगर आपने अगर ये टाइम मिस कर दिया कि आपके करियर में आपको क्या बनना है, आपने हल्का सा अगर मिस कर दिया, तो समझो आपकी पूरी आगे की जो जिंदगी है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोले हमको गाइडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से आज मैं एक छोटे मोटे कॉल सेंटर में काम कर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना सबसे पहला करियर चूज करो कि आपको बनना क्या है, उसके हिसाब से आप रिसर्च करो जो आपके साथ में, जैसे आपको लगता है कि आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आप डॉक्टर से पूछो, आप डॉक्टर बनने वाले इंजीनियर से जाके पूछोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो उससे पहले आप, है ना, जो भी है अपने आप से पूछो कि आपको बनना क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको आगे फ्यूचर में करियर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है, अदरवाइज आप बाद में यही सोचोगे हमको कोई गाइडेंस करने वाला मिला नहीं। हाय दोस्तों, आज आपको मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ
उस इंडस्ट्री के बारे में आप सिर्फ टीवी में देखते होगे या फिर फिल्मों में देखते होगे, इस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, क्या हम जैसे लोग भी इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं? जी हाँ, आप जैसे इस चीता गेम की मैं अगर बात कर लूँ आप लोगों से कि यहाँ पर ऐसे इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में है, जितना एक डॉक्टर कमाता है, जितना एक इंजीनियर कमाता है और जितना एक बड़ा बिजनेस में कमाता है, उतना ही इस इंडस्ट्री में भी लोग कमा लेते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है। और वो पैसा क्यों कमाते हैं, भले आपसे एक बात बता दूं मैं कि पैसा कमाना ही सिर्फ मकसद नहीं है, पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको उस चीज का टैलेंट चाहिए, उस चीज को आप किस तरीके से समझ सकते हो। अगर मुझे अगर साइंस का अगर बात करें कि मेरे को साइंस का कुछ नहीं आता, सीरियसली मैं बताता हूँ, मेरे को साइंस के बारे में कुछ नहीं पता है कि साइंस एक्चुअली वर्क कैसा करता है, बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मुझे को आर्ट के बारे में अगर बता दे तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें है। अगर जिस चीज़ का एक मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर जिस चीज़ का जिसे नॉलेज हो वो वही काम करे, वो वही काम करे और उसी चीज़ में तरक्की करेगा। दोस्तों, इस आर्ट इंडस्ट्री में आप आर्ट तो हर किसी हर तरीके का होता है, कोई अच्छा पेंटिंग करता है, कोई स्कल्पचर अच्छा बना लेता है, कोई कोई किसी को और कोई दूसरे आर्ट में, बहुत सारे आर्ट की किस्में तो इतनी सारी है, आप अगर देखोगे तो इस हर दिन कोई नया नया आर्ट ऐड होते जा रहा है। कोई कंप्यूटर में अच्छा माहिर है, तो कोई पेपर में अच्छा माहिर है, कोई स्कल्पचर बनाने में अच्छी महारत रखता है। तो इस आर्ट का एक्चुअल फ्यूचर है क्या, क्या लोग पेंटिंग करके ये सिर्फ साइन नोट बनाते हैं या फिर और भी कुछ इंडस्ट्री है इस मामले में? आप देखते हो, आपने अगर आप जिस मोबाइल को अगर यूज करते हो, वो मोबाइल आपको इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। आप अगर क्रिएटिविटी के बारे में अगर देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो इस इंडस्ट्री में इतने सारे स्कोप है, किसी दूसरी इंडस्ट्री में है ही नहीं। हर दिन आपको एक अच्छा नया प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है इसमें। इंडस्ट्री के बारे में आप बता दूं, आप फाइन आर्टिस्ट बन सकते हो, आप कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हो, आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, आप प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हो, आप ऑटो ऑटोमोबाइल डिजाइनर बन सकते हो। इसके अंदर और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल डिजाइनर है, और इतनी इस इंडस्ट्री के अंदर आप किसी से अगर देखना चाहोगे, जैसा फिल्म मेकिंग का है, अभी बहुत ज्यादा जोर जोर चला है फिल्म मेकिंग का है। फिल्म मेकिंग भी एक आर्ट है, एक कला है, जिसके जरिए हम लोग जो वीडियोज वगैरह बना रहे हैं, ये भी किस्म का एक आर्ट है, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो इस आर्ट इंडस्ट्री के अंदर आप पैसे तो कमा ही लगे, लेकिन आपको मजा आएगा अगर आपका इंटरेस्ट इससे रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले यही चीज बताता हूँ मैं कि आपका इंटरेस्ट अगर जो चीज में हो उसी पे आप करो। इस आर्ट इंडस्ट्री में जैसा मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को चूज किया, मेरे पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। मैं फाइन आर्ट कॉलेज में अगर जाता हूँ, फाइन आर्ट कॉलेज में जाने के बाद भी मेरे पास बहुत सारी स्ट्रीम है, जैसा मेरे पास ऑप्शन है, फोटोग्राफर बन सकता था, फिल्म मेकर्स बन सकता, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी और ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, यूएक्स यूआई, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर है। अगर मैं फैशन डिजाइनर के अगर कोर्स अगर किसी को सजेस्ट करूँ, या आप अगर इसमें एक्सप्लोर करना है फैशन डिजाइनिंग में भी, अगर आप इंटर करते हो तो आप उसके अंदर टेक्सटाइल डिजाइनिंग अलग है, उसके अंदर आप सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे जा सकते हो, जैसा ड्रेस डिजाइन करना है, या फिर इस एक मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने रिकमेंड किया था कि तू कमर्शियल आर्ट कर, तो उसने बोला ठीक है मैं कमर्शियल आर्ट करता हूँ। लेकिन जब उसने फाउंडेशन किया, एक फाउंडेशन एक कोर्स रहता है गवर्नमेंट का जो 1 साल का होता है, उसके बेस पर आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो वो ड्राइंग का जब आप 10th कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, फाउंडेशन का कोर्स है। तो उसको बताया कि फाउंडेशन करने के बाद तू कमर्शियल आर्ट में आ जा। तो मेरे फ्रेंड ने क्या कहा कि मेरे को कमर्शियल आर्ट में नहीं करना है, मैं फैशन डिजाइनिंग में ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, तेरी मर्जी, तू ज्यादा अच्छे से अपने आप को जानता है। बाद में आप अगर अब देखोगे, उसका डिसीजन बहुत करेक्ट था, उसको पता चल गया था कि मेरी काबिलियत इसमें है और मैं एक्सपर्ट इसमें हूँ, तो उसने इस करियर को चूज किया और आज बहुत अच्छी जगह पे और खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा है और उसकी समाज में एक अच्छी रेपुटेशन भी है। दोस्तों, आप लोग जो अगर कोई स्कूल में आपके आपने अगर इंटरमीडिएट का या फिर इंटरमीडिएट या फिर एलिमेंट्री का एग्जाम अगर दिया हो, उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, उसी के बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर आपको फाइन आर्ट करना है, कमर्शियल आर्ट करना है, या फिर आपको फैशन डिजाइनिंग करना है, या फिर कोई भी आर्किटेक्चर बनना है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको इंटर करना है तो इसके एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी इसकी जो कम्प्लीट होती है, आपको 10th के बाद या 12th के बाद आपको ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्राइवेटली आप इस चीज को क्लियर करें, उसके बाद आप उसके एलिजिबल हो गए। अगर इसके बाद भी अगर जैसा आप चाहते हो कि मेरा 12th तो हो गया है या फिर 10th हो गया है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम दे सकूं इंटरमीडिएट का या फिर एलिमेंट्री का, तो आप लोग एक बेस्ट ऑप्शन है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जिसका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। एक रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट है, मंथन स्कूल ऑफ आर्ट है, अब जो परेल में है, बॉम्बे से रिलेटेड मैं जितने कॉलेजेस बता रहा हूँ, जे स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर आपको 12th बाद एलिजिबिलिटी इसकी मिलेगी, उसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हो 12th के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट के लिए। एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट के लिए जो बैंड्रा में है उसके लिए आप 10th बेस पे एडमिशन ले सकते हो, उसके पहले आपको एक फाउंडेशन का कोर्स करना पड़ता है जो गवर्नमेंट बेस है, उसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। फाउंडेशन के लिए भी आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट इज कंपलसरी है, उसके बाद ही आपको इसमें इंटर करने मिलेगा कमर्शियल आर्ट के लिए भी, फाइन आर्ट के लिए भी, या फिर आप आर्किटेक्चर कर रहे हो या इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, तो ये सब इंडस्ट्री के लिए आपको मेन जो बेस है आपका इंटरमीडिएट का जो एग्जाम की सर्टिफिकेट से वो आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगी, आपने अगर दोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसकी कुछ फीसेज थोड़े ज़्यादा है, जो अगर कर सकते हैं तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। प्राइवेट एक आपको वर्ली रहेजा मिल जाएगा, एलएस स्कूल ऑफ आर्ट, एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट स्कूल का कॉलेज का नाम है, जहाँ पर फैशन डिजाइनिंग भी है, फिल्म मेकिंग भी है, फोटोग्राफी भी है और कमर्शियल आर्ट भी है, अप्लाइड आर्ट है, वहाँ से आप कर सकते हो। मंथन स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ पर भी सेम फिल्म मेकिंग है, कमर्शियल आर्ट है और कमर्शियल आर्ट है, फाइन आर्ट है और भी जो दूसरी जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, यूएक्स यूआई है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस बार इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई है, अब वहाँ से जाके कर सकते हो। और इसमें और भी मैं आपको जो शाइनिंग चीता गेम के जितने भी हमारे जो साथी हैं उनसे भी मैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि वो यहाँ पर मुझसे अगर ऐसे कोई भी लोग अगर इस चीज़ से इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग भी हो या फिर इंटीरियर हो, आर्किटेक्चर हो या कमर्शियल आर्ट हो, तो या फिर और भी यूएक्स यूआई जैसा कंप्यूटर ग्राफिक्स और डिजिटल डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आप लोग इसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड रखते हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर हमारे शाइनिंग चीता गेम के जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमेशा तैयार हूँ।